केंद्र सरकार किसानों के लिए कानून बनाती है, कानून किसानों को पसंद नहीं आता तो किसान धरने में बैठ जाते हैं। धरना लंबा चलता है और चर्चा पूरे देश में है, लेकिन ऐसा ही एक जो आंदोलन है वो बस्तर में भी चल रहा है, जिसकी चर्चा कुछ दिन तो चली और फिर चर्चा थम गई, लेकिन आंदोलन आज भी अनवरत जारी है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जिस आंदोलन की मैं बात कर रहा हूँ वो आंदोलन सिलगेर आंदोलन है। अगर आपको याद होगा, इसके पहले भी मैंने बस्तर टॉकीज में सिलगेर आंदोलन के लिए कई दफ़े वीडियो भी तैयार किए, ग्रामीणों से बातचीत भी की, और आज एक बार फिर से मैं उसी सिलगेर में हूँ, आंदोलन उसी तरह से जारी है। तो मैं इन लोगों से मिलने आया हूँ और दरअसल बहुत रात को पहुँचा हूँ, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, चक्रवात का असर है, गुलाब जिसका नाम दिया गया है, लेकिन उस चक्रवात का असर इस आंदोलन पर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद कि किस तरह से ग्रामीण सड़कों पे छोटे छोटे तंबू लगाकर अपने अपने घरों से जो चावल लाए हैं वो बनाकर खाकर सोए हुए हैं। कारण ये है कि कल एक इन्हें बड़ा आंदोलन करना है, एक बड़ा कार्यक्रम करना है। क्या कार्यक्रम करेंगे, उसके पहले क्या तैयारियाँ हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाऊँ कि ग्रामीण किस तरह से अपने खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। आप देखें कि यहाँ जो आदिवासी मूल आदिवासी बचाव मंच है, उनके द्वारा इस तरह से राशन की व्यवस्था की गई है और ये जो आंदोलन के जो युवा हैं उन सभी को भोजन भी कराया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी भी है। और जो समिति के लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि घूम घूम कर देख रहे हैं कि जो ग्रामीण इस आंदोलन में हिस्सा लेने आए हैं उन्हें भोजन मिला कि नहीं, क्या उन्होंने भरपेट भोजन किया या नहीं, उनके सोने की क्या व्यवस्था है। तीन सारी चीज़ों को देखने के लिए बस्तर टॉकीज भी यहाँ पे पहुँचा हुआ है, और जब हम पहुँचे तो हमारे रहने की व्यवस्था भी यहीं पे इन्होंने की है, हमारे लिए भोजन की भी व्यवस्था की है, कर रहे हैं अभी। तो मैं सोचा सबसे पहले दिखाऊं कि किस तरह से यहाँ पे सभी के इतने लोगों के खाने की व्यवस्था की जा रही, किस तरह से बड़े बड़े बर्तन लाए गए हैं और किस तरह से वहाँ पर खाना बनाया जा रहा है, किस तरह से सारी व्यवस्थाएँ बिना किसी बड़ी पार्टी या बड़े लोगों के मदद के बगैर यहाँ पर चल रहा है इन ग्रामीणों का, किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं उस पर बातचीत करते हैं। एक चेहरा आप पहचान गए होंगे, इसके पहले कई दफ़े हमने उनसे बातचीत की थी, रघु नाम है, मुझे तो नाम याद है, रघु जी। रघु, ये बताओ कि इतने लोग हैं यहाँ पे खाने का व्यवस्था, ये चावल कहाँ से आ रहा है? हालांकि हमने एक बार और भी खाने की बात की थी तुमसे पहले, याद होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज बहुत ज़्यादा लोग आए हैं जी। तो इतनी भीड़ क्यों आई है, कैसे सब लोग के रुकने का व्यवस्था हुआ, कैसे लोगों के चावल कहाँ से आया, कैसे हुआ सब चीज़? चलिए, सारे चीज़ें अपना अपना घर से यहाँ पंचायत से ले के आ रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे मेन बात है कि अभी जहाँ कैंप डाले उसके विरुद्ध में और जहाँ नरसंहार हो रहा है उसके खिलाफ में हम सभी उसका समर्थन, बड़ा जनसभा रखे हैं। अच्छा, तो इसके विरुद्ध में और इसको विरोध करने चाहते हैं कि ये जो जितने भी व्यवस्था, इतने 142 दिन हो गया, आज तक सरकार कोई मांग हमारा पूरी नहीं की, और जो शासन प्रशासन से भी मिले हैं और मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, बाकी हर जगह जा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई हमारा मांग पूरा नहीं किया है। इसके चलते उसके नरसर जहाँ जहाँ एर्समेटा, सरकिंगुड़ा और तारमेटला हर जगह हुआ, उसका सिवाय जाँच भी आ चुकी है, उसके अंतर्गत भी हम लोग चाबा रखे हैं। अच्छा, तो कल ये जितना नरसंहार हुआ है जिसकी जांच रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी, और जी, ये जो कैंप का विरोध है वो तो है ही है जी, जी। तो लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला? नहीं मिला। सरकार तो कह रही थी कि हो गया, सिलगेर का मामला खत्म हो गया, सब ठीक है अभी यहाँ पे? नहीं हुआ सर, अभी तक जितने भी हम लोग इतना दिन 142 दिन का उसके पहले मांग भी दे दिए, कुछ 12 पॉइंट कुछ, और उसके अभी तक इसका कोई कार्रवाई नहीं किया है सरकार। तो 142 दिन, मतलब मैं आपको बताऊं कि 11 मई को यहाँ पे जो सिलगेर का कैंप लगा हुआ था, और उसके बाद 17 मई को ग्रामीणों पे जो विरोध कर रहे थे उन पर फायरिंग की गई थी, जिसमें 3 ग्रामीणों की मौत हो गई थी और बाद में एक गर्भवती लड़की भी, उसकी भी मौत हो गई थी, और तब से आंदोलन अनवरत जारी है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एक समय के बाद लोगों ने ये सोचा कि इस आंदोलन का रूप बदल दिया जाए, सुकमा के मुख्यालय में बैठा जाए, लेकिन वो भी जब सफल नहीं हो पाया तो फिर से सिलगेर में ही कम संख्या में, लेकिन ग्रामीणों का आंदोलन लगातार जारी था। और अब सबसे खास बात यह है कि रघु, ये किसान आंदोलन को भी कुछ समर्थन दे रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, क्या है? किसान
ये दिल्ली किसानन जो कृषि कानून के वहाँ भी हर राज्य से वहाँ भी संघर्ष कर रहे हैं सर, उससे भी हम लोग भी उन लोगों का समर्थन आज दिए हैं। अच्छा जी जी, हमारा भी तो ये है किसान खेती करने वाले, और साथ साथ उसके संबंध में भी अभी दिल्ली जो चल रहा है उसके साथ भी हम लोग भी दिए हैं। अच्छा जी, अब आप सोचिए कि किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन पे केंद्र में भाजपा की सरकार है और कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी उस किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और ये ग्रामीण इन्होंने उस किसान आंदोलन का समर्थन दिया, लेकिन इस सिलगेर आंदोलन की आग या गूंज दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही है कि किसान आंदोलन में बैठे किसान शायद इनका जिक्र भी करते। और भी लोग हैं यहाँ पर, आपका क्या नाम है कुछ? हुंगा मुक्सर से। हुंगा हुंगा कहाँ से हो दादा? मैं बैन फली से, जगरगुंडा थाना। जगरगुंडा से जी, मतलब सुकमा जिले से जी। तो ये कहाँ रुके, कहाँ? हमने यहीं पर रुके सर। खाना वाना चावल वाल घर चला? हमने यहीं पर घर से लेके लाके खाते हैं सर। ऐसा है ना जी, ठीक है। तो हुंगा है, रघु हैं, इस तरह से और भी युवा हैं। मैं भी आपको इसी वीडियो में आगे ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से बाहर टेंट लगाएं। रघु, बाहर जो सब छोटा छोटा टेंट बनाए हैं जी, वो टेंट कौन बनाए? उन लोग खुद बनाए हैं कि खुद ही बनाए सर? हम लोग अभी अपना अपना गांव से, पंचायत से, अपना अपना धरना के रूप में जो लेके आए और जो ये जन छावा के लिए आए सभी लोग लेके आए। इसमें सबसे मेन बात है कि हर ये चाहते हैं कि अपना जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सभी लोग एकता होके संघर्ष करने से तभी हमारा जल जंगल जमीन बचेगा। अच्छा, नहीं तो आज तक इससे पहले जो हर जगह कैंप लगा हुआ है और उसके विरुद्ध में आज तक कोई लड़ाई नहीं हुआ, संघर्ष नहीं किए। पर अभी जो थोड़ा समझदारी होने की वजह से अभी जहाँ भी कैंप डाल रहे हैं और ये नरसंहार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इसको विरोध में सब जान चुके हैं कि इसके हर लोग इसको विरोध करने चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका विरोध है और ये विरोध या आंदोलन अभी भी जारी है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से लोग सड़कों पे छोटे छोटे टेंट लगा के उनसे भी बात करते हैं। असल में सिलगेर के इस प्रोटेस्ट को आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं वो ग्रामीण किस तरह से अपने भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। ये तो जो मूल आदिवासी बचाव मंच था उनके द्वारा जो जितने सदस्य के लोग थे उनके भोजन की व्यवस्था थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हज़ारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे हुए हैं और हज़ारों की संख्या में ग्रामीण किस तरह से रुके हुए हैं। मैं दरअसल जहां खड़ा हूं ये बासागुड़ा से लेके जगरगुंडा के बीच की सड़क है और इसी सड़क को बनाने की पूरी कवायद सरकार के द्वारा की जा रही है और इसी सड़क को बनाने के लिए जो सुरक्षा दी जानी है उस सुरक्षा के लिए सिलगेर का कैंप लगा है और उस कैंप का विरोध किया जा रहा है। कैंप का विरोध इसलिए किया जा रहा है, ग्रामीणों का तर्क है कि जिस तरह से एड़समेटा, सारकेगुड़ा जैसे नरसंहार के मामले न्यायिक जांच के बाद उसकी रिपोर्ट आई कि वहां जिन्हें मार दिया गया था नक्सली बताकर, दरअसल वो तो ग्रामीण थे, और इसे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनके द्वारा इस पूरे मामले की न्यायिक जाँच की गई है। तो ऐसे में ये बात भी साबित हो गई है कि जिन्हें अमूमन इन इलाकों में सर्चिंग के दौरान मार दिया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो नक्सली हों। कई बार ऐसा होता है कि ग्रामीण होते हैं और बस्तर के आदिवासी जो हैं उनका जीवन ही जल जंगल जमीन के भरोसे चलता है, तो जंगलों में आदिवासी वनोपज इकट्ठा करने जाते हैं और ऐसे में यदि फोर्स उन्हें सर्चिंग के दौरान मिल जाती है तो फोर्स के मन में होता है कि जंगल में है तो नक्सली ही होगा, जबकि हर बार ये सच नहीं होता है। तो इसी विरोध को लेकर आज मई से लेकर अब तक सितंबर तक लगातार ग्रामीण आंदोलनरत हैं और अब तो किसान आंदोलन को भी समर्थन देने के लिए उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। हालांकि किसान आंदोलन में अभी तक सिलगेर का जिक्र नहीं है, मैंने आपको बताया था, तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि ये वही सड़क है जिस सड़क का पूरा लफड़ा चल रहा है। सड़क के पीछे की भी सरकार की अलग कहानी है। सरकार का कहना है कि सिलगेर जो है माओवादियों का काफ़ी कोर इलाका है, अगर यहाँ सड़क बन गई, सीआरपीएफ का कैंप लग गया तो उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ेगा, और यही वजह है कि वो ग्रामीणों को सामने करके ये आंदोलन कर रहे हैं बाहर। लेकिन फिर भी ये ग्रामीणों के द्वारा स्वस्फूर्त आंदोलन बिना किसी बड़े राजनीतिक दलों के सहयोग के, बिना किसी बड़े लोगों के सहयोग के कैसे आज इतने दिन तक चल रहा है, उसमें इनकी व्यवस्थाएँ कैसी हो देखिए। गुलाब का चक्रवात और उसमें लगातार मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी दिया जाना और उस चेतावनी के बीच भी ये ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर इस तरह से अपने अपने घरों से तिरपाल और झिल्लियाँ लेकर आए हैं बड़ी बड़ी,
और उसे इस तरह से इन्होंने बांधा है सड़क पर ही, तंबू बना रखा है। और देखें किस तरह से ये दो बच्चियां सोई हुई हैं और ये भी आंदोलन में आई हैं। कोशिश करते हैं अगर इनसे बात हो जाए। बेटा हिंदी आता है आपको? आता है? हैं, क्या नाम है आपका? हालांकि बस्तर के आदिवासी जो है शाम ढलते ही जल्दी सो जाते हैं, लेकिन मैं इन्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो इस तरह से इन्होंने टेंट लगा रखा है, यहाँ भी आप देखें अगर इस तरफ में, तो ये किस तरह से ग्रामीण सभी टेंट लगाकर खाना खाकर सो चुके हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो ये बहुत छोटा बच्चा है ये भी, लेकिन इस आंदोलन में आया हुआ है। और सभी लोग हैं, जब मैं यहाँ पहुँचा था तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और मैं देख रहा था कि सभी बैठे हुए थे और इस जुगत में थे कि किसी तरह से इनका खाना बन जाए, क्योंकि खाना बनाने के लिए जो लकड़ियाँ इन्होंने लाई थी वो लकड़ी भी भीग गई थी। मैंने कुछ युवाओं को उठाया है, हालांकि ये सो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि बातचीत करने के लिए। भैया क्या नाम है आपका? बंडी माड़ी। क्या? बंडी माड़ी सर। बंडी भैया ये बताओ कि ये ऐसा कितना टेंट लगा है? रात है, दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं दर्शकों को थोड़ा। ये तो लगभग होगा सर 80-90 तक होगा। 80-90 रोज जो धरना जाते हैं कैंप तक उनका ही काले। अगर अभी जो सभा के लिए आए तो कहीं कहीं घर मन में घुसे हैं। अच्छा, टेंट के अलावा घर घर में भी हैं जी, आसपास के गांव के जो जी आसपास, ये तिमापुरम जीरा गुड़ेम हो गया, ये इधर भी, ये जो ये फारा उसमें भी है। अच्छा जी, तो इतना पानी वानी गिरा तो कोई दिक्कत नहीं हुआ? परेशान दिक्कत, नहीं हुए? दिक्कत तो जा रही सर, इसमें इस विरोध में शामिल होने के लिए ग्रामीणों को इकट्ठा किए हैं। अच्छा, मूलवासी बसाओ की ओर से। ये जो पानी गिरा उससे परेशानी कितना हुआ? और नाला वाला भी भर गया था, मैं देख रहा था, तो उधर से कैसे? नाला वाला तभी भरा हुआ सर, ये जो बड़ा सा नाला पड़ता है चिंतावांग बोल के, वो नाला पार किए ग्रामीण आयु खली पहुँच से 26 तारीख को। 27 सितंबर के जो दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका बंद का ऐलान किए थे, उसके समर्थन देने यहाँ 26 तारीख को पहुँचा। 27 सितंबर को यहाँ सभा होना था। अच्छा जी, तो सभा है? सभा जी आज भी हुआ, कल भी होगा। कल भी होगा जी। तो कल क्या होगा सभा में वो तो मैं कल आपको बताऊंगा, लेकिन सभा के पहले की क्या तैयारियां हैं, गांव वाले पहुंचते कैसे हैं? क्योंकि दिल्ली का जो किसान आंदोलन है उसमें आप देख रहे होंगे, मैं दिल्ली के किसान आंदोलन पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मतलब आप इसको गलत मत समझिएगा, मैं ये बता रहा हूं कि दिल्ली का किसान आंदोलन जब मैंने टीवी पे देखा, क्योंकि मैं गया तो हूं नहीं वहां पे मौके पे, लेकिन मैं देख रहा था कि वहां के किसान जो हैं उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं करने के लिए, ट्रैक्टरों में हैं, ज़रूरत पड़ रहा है मौसम के हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं कर ले रहे हैं, ज़रूरत पड़ रहा है तो एसी भी लग जा रहा है वहाँ पे, ज़रूरत पड़ रहा है तो सारी चीज़ें हैं, पानी के फिल्टर भी हैं। लेकिन ये बस्तर है, बस्तर में तो सरकार ऐसे ही व्यवस्था नहीं पहुँचा पाती, तो ये आदिवासी अपने आंदोलन में क्या व्यवस्था पहुँचा पाएंगे, है कि नहीं? तो भैया ये बताओ कि ये सारा व्यवस्था, ये सब टेंट वेंट लगाए इसको कैसे किए इतने लोग का? 80-90 टेंट लगाए बता रहे हैं। ये तो लगभग 80-90 ज़्यादा भी है सर, 150 से ऊपर भी है। अच्छा, हाँ तो ये तो क्या बोलते हैं, अपने अपने गाँव से लेके आए हैं, तो बारिश में भीगने होगा इसीलिए अपने अपने गांव से लेके आए हैं, पानी से बचना है तो। अच्छा, नाला वाला पार करके आए? कई बार ऐसा होता है जब बाढ़ आता है और नाले का पानी उफान पे होता है, तो कई बार मैं समाचार सुना हूँ कि गांव वाला कोई बह गया, तो उस नाले को भी पार करके आए, ऐसे नालों के भी? सर ऐसा कुछ नहीं है सर, अपना गाँव में डोंगा वगैरह है उसमें पार करके यहाँ पर सिलंगेर आंदोलन में रैली प्रदर्शन धरना में शामिल होने के लिए आ जाते हैं। अच्छा, तो अभी क्या है, कल क्या है तैयारी फिर? कल वही आज जो किए हैं दिल्ली किसान आंदोलन का समर्थन दिए हैं, कल फिर रहेगा सार की गुड़ा एड्स में टा नरसंहार के खिलाफ में जो चल रहा है उसके भाषण। अच्छा, रखेंगे। ये बताओ मेरे को, बारिश है और ये जंगल भी है, तो ऐसे में तो जहरीले कीड़े सांप वहाँ भी निकलने का डर रहता है, तो ऐसे यहीं सड़क पे सोए लोग, कोई डर नहीं है ऐसा सोए आप लोग तो? हमारा आदिवासी लोगों का आदत है सर ऐसा सोना, जो हम अंदरूनी इलाके में रहते हैं अंधेले में ही सोना अपने को आदत है, इसलिए अपन अपना जल जंगल जमीन बचाने के लिए अपना खेती किसान जो करते हैं जो उस खेती को बचाने के लिए सब शामिल हो चुके हैं यहाँ पे। अच्छा देखो, अभी अगर आप शहर में रहते तो मतलब आपको इतने अंधेरे में अगर मैं छोड़ देता तो आप तो डर से ही मर जाते, लेकिन यहाँ गांव वाले इसी में व्यवस्था कर लिए हैं। ये बात मैं आपको ज़रूर बार बार नोटिस करवाना चाहूँगा कि ये पूरा घनघोर जंगल है चारों तरफ सड़क के दोनों ओर, और इन जंगलों के बीच में भी और भी जगह पर छोटे छोटे घर हैं, उसमें भी कई आंदोलन करने के लिए जो ग्रामीण हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, लेकिन ये लोग जो पहुँचे हुए हैं किस तरह से टेंट बनाए, देखिए कि लकड़ी वकड़ी बांध के अपना जुगाड़ बना लिए छोटा सा,
पानी अंदर ना जाए इसलिए मिट्टी को थोड़ा सा उठा लिए हैं कि बाजू से बारिश का पानी जो है वो चला जाए। अमूमन जंगलों में जब फोर्स जब जाती है सर्चिंग पे तो वो भी इसी तरह से टेंट बनाती है। गांव वालों को भी आज इसी तरह से यह सब जुगाड़ बनाना पड़ा है ताकि यहाँ पे रह सकें और कल होने वाले बड़े कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें, अपना विरोध दर्ज करा सकें। विरोध इनके लिए जायज़ है, इन्हें लगता है कि CRPF का कैंप लगेगा तो कैंप लगने के बाद जिस तरह से पुरानी घटनाएं हुई हैं कहीं वो दोबारा फिर से ना दोहरा दी जाए। सरकार का अपना तर्क है, ग्रामीणों का अपना तर्क है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे लंबा आंदोलन है ग्रामीणों का जो मई से अब सितंबर तक चल रहा है और इसकी चर्चा बंद हो गई है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसान आंदोलन की चर्चा तो हो रही है, उस किसान आंदोलन को इन्होंने अपना समर्थन भी दिया है, लेकिन इस सिलगेर आंदोलन की चर्चा पूरी तरह से बंद हो गई है। अगर आपको लगता है कि बस्तर में आदिवासियों के द्वारा उठाई जा रही आवाज़ को आवाज़ अपनी देनी चाहिए, लगता है कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, इनके मुद्दों पर, इनकी बातचीत पर, इनके तर्कों पर विचार होना चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस मामले पर लगभग बार बार विचार करके चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।